नेपाल में 3 से 5 सितंबर तक आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में नरवाना के छोरे ने गोल्डन मेडल प्राप्त कर हरियाणा का नाम देश भर में रोशन किया। अभिषेक का नरवाना पहुंचने पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस जीत में अभिषेक के स्कूल में खुशी का माहौल था। आर्य स्कूल में छात्राओं ने फूल माला पहनाकर व तालियां बजाकर इस खुशी का इजहार किया। अभिषेक नरवाना के आर्य स्कूल में नॉन मेडिकल सकाई का छात्र है। अभिषेक ने पंजाब फेडरेशन की तरफ से भाग लिया था, इसमें उसने नेपाल, भूटान, जापान को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में अभिषेक ने नेपाल को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। छात्र अभिषेक का विद्यालय में भव्य स्वागत किया गया। प्राचार्य संजय चौधरी ने बोलते हुए कहा कि अभिषेक ने न केवल अपने गाँव दबलेन अपूति नरवाना का, जिला जीन का व पूरे हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। अभिषेक के भाई आशीष व सुमित को अभिषेक की सफलता का श्रेय जाता है। प्राचार्य ने बताया कि दिसंबर 2015 में अभिषेक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में बैंकॉक खेलने जाएगा। अभिषेक जो प्लस वन नॉन मेडिकल में पढ़ता है, उसने अभी नेपाल में हुई प्रतियोगिता में बैडमिंटन की में गोल्ड मेडल हासिल कर न केवल दबलेन गाँव का, नरवाना का, बल्कि हरियाणा और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया। शिक्षा का ही एक भाग है खेल। अपने कैरियर को खेल के द्वारा उत्तम बनाया जा सकता है, श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। अभिषेक की इस उपलब्धि पर मैं अभिषेक को, उसके भाई आशीष को, उसके सहयोगी अमित को, उसके पिता राममूर्ति शर्मा जी को और पूरे गाँव को बधाई देता हूँ और ये कहता हूँ कि ये छात्र आगे भी इसी प्रकार से अपने स्कूल का, अपने गांव का नाम रोशन करता रहे और पूरे विद्यालय की ओर से, पूरे गांव की ओर से बैंकॉक में होने वाली गेम के लिए इसको एडवांस में शुभकामनाएं। निर्वाणा से आजा टीवी न्यूज़ के लिए गुलशन चावला की रिपोर्ट।